हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी नीड गाइस। कैसे हैं सब बच्चे? आई होप दैट ईच वन ऑफ यू इज डूइंग रियली गुड। तैयारी बढ़िया चल रही है और आज का दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा आज है 28th of August और आज आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का पहला टेस्ट होने वाला है। क्या होने वाला है? पहला टेस्ट होने वाला है, टुडे इज 28th। सबको पता है ना, आज 2 बजे बेटा कुछ खास होने वाला है ना। दैट इज ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज। लाखों बच्चे बैठने वाले हैं उस सीरीज में एंड आज उसका फर्स्ट टेस्ट है 2:05 PM। अब यार पिछले नीट के एग्जामिनेशन में आपने ट्रेंड देख लिया है कि बहुत सारे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आए हैं ना, बहुत सारे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आए। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू प्लान अ सिंगल सेशन ऑन मैच द फॉलोइंग, जिसमें हम मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ ताकि हमारी एक टेक्निक बन पाए कि किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज ना बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है उस टाइम पे। एक तो सिचुएशन ऐसी है, पैनिक है, सारे इतने सारे सवाल पढ़ने हैं। ऊपर से बेटा ये क्वेश्चन होते हैं आसान, बिल्कुल ये होते हैं आसान, लेकिन इसमें जो पैनिक सिचुएशन के समय तुम गड़बड़ी करते हो ना, उसको अवॉइड करने के लिए आज सिर्फ और सिर्फ क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, मैच द फॉलोइंग सॉल्व करेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं लेंगे, इसके अलावा बेटा कोई और क्वेश्चन नहीं लेंगे, आएगा तो टपा देंगे। ठीक है, ऑल द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन शॉट। ठीक है, अच्छा जो मॉक टेस्ट है वो पूछ रहे हैं। मॉक टेस्ट बेटा जी 2:05 PM सारे सब्जेक्ट्स का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। प्रॉपर नीट के पैटर्न पे 200 सवाल आएंगे। न्यू NTA पैटर्न पर हमने डिज़ाइन किया है। जिसने अभी भी एनरोल नहीं किया, मोस्ट प्रॉबली लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेना। और इसी की प्रैक्टिस बेटा मैं आज करा रही हूँ। वैसे तो हम प्रैक्टिस 1:20 पे करते हैं और 2 बजे भी करते हैं, तो आज 2 बजे वाली क्लास नहीं रखते क्योंकि मुझे पता है आप सब ने मॉक टेस्ट देना है। तो आज बेटा जी हम प्रैक्टिस थोड़ी सी जल्दी कर लेते हैं, 5 मिनट, मतलब 1:15 पे स्टार्ट करके मैं आपको 1:40 तक फ्री कर दूंगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल एंड टाइम रिविजन होगा आपका, जस्ट पेपर से पहले 20 मिनट्स का गैप रहेगा, खाना वाना खाना कंप्लीट, आप उस तरीके से बैठना। तो आज का जो टेस्ट है वो सिंगल टेस्ट है, मैंने पिन करा दी है क्लास, कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट रखा है 1:15 से लेकर 1:40, बस इससे ज्यादा नहीं लेंगे। इट विल बी अ वेरी क्विक टेस्ट फॉर यू गाइज एंड लास्ट मिनट रिविजन। ये कहाँ पर होगा? अनअकैडमी की ऐप पर होगा, फ्री क्लास है, सीप लाइव कोड यूज करके आ जाना। ये मैंने पिन करा दिया ऊपर, ठीक है, दिख रही है ना, चैट बॉक्स में पिन हुई है। ठीक है, किसमें कितने क्वेश्चन होंगे भाई? इसमें तो 50 क्वेश्चन होंगे, बायो में 50 क्वेश्चन आने हैं, 35 + 15 है ना। मैं 100 वाला नहीं करा रही हूँ क्योंकि इतनी फास्ट हो नहीं पाएगा, यूजुअली हम रोज 100 करते हैं। आज आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है इसीलिए मैं आपको 50 कंप्लीट सिलेबस के करा रही हूँ 1:15 पे। ठीक है, यस, हाँ जी प्रज्ञा, वो भी ले लेंगे। पहले आज मैच द फॉलोइंग कर ले, मैच द फॉलोइंग अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। ठीक है, बाकी बेटा क्रैश कोर्स तो अपना चलता ही रहेगा है ना। और जो बच्चे मैम के साथ जुड़ना चाहते हैं डिटेल्ड कोर्स के लिए, जो 11th में हैं या फिर जो बच्चे 12th में हैं, वो जुड़ सकते हैं क्योंकि बेटा जी बैच चल रहे हैं जिसका नाम है संजीवनी एज वेल एज विजय भव बैच। आप एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड सीप लाइव, जिससे बेटा जी आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। आइकॉनिक लेते हो तो अन अकेडमी के ब्रांडेड नोट, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों, लाइव 1-to-1 मेंटोरशिप, मुझसे बात कर पाओगे, आप अपना स्लॉट खुद से बुक कर सकते हो एंड बेटा जी आप आ जाएंगे मैम की पर्सनल गाइडेंस में। फिर बेटा वो हमारी टेंशन है कैसे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आगे लेके जाना है, कैसे आपकी प्रैक्टिस करानी है, कैसे आपका एनालिसिस कराना है। यस, शुड वी स्टार्ट बेटा जी? ओके, एकदम फास्ट वाले बच्चे कह रहे हैं एकदम फास्ट वाले। डिसऑर्डर का भी एक सेशन ले ले, ठीक है। लखन लाल एक बार ही बता दो यार, डिसऑर्डर के सेशन में सवाल करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो ऑल डिसऑर्डर्स इन वन शॉट? यस, वैसे तो मैंने एक सेशन लिया हुआ है, मैं आज टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, ठीक है। वैसे तो हो चुका है, चलिए क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। ओके प्रियंका, आपकी सारी डिमांड्स बिल्कुल पूरी होंगी, आज की डिमांड भी थी और ये तो मेरे ही माइंड में था कि यार आपको सारे मैच द फॉलोइंग कराने हैं, ठीक है, वो जरूरी है। ओके बेटा, ड्रॉपर वाले अभी क्यों सोच रहे हैं? अभी पेपर तो दे लो तुम, पेपर दोगे तभी डिसाइड करोगे ड्रॉप करना है कि नहीं करना। ये जो अभी से बच्चे सोच के बैठ जाते हैं ना कि मैंने ड्रॉप ही करना, आई डोंट लाइक दिस एटीट्यूड। आई वॉन्ट यू टू गिव योर 100% इन दिस एग्जामिनेशन, इस एग्जाम में पूरा दे दो, फिर ना हो फिर सोचो यार, ठीक है, फिर ना हो फिर सोचो। जब यार अभी शायद हो जाए, तुम अगर अभी से सोच लोगे कि ड्रॉप करना है तो तुम मेहनत ही नहीं करोगे,
है ना, तुम सोचोगे यार ये तो एम ही है, मैं तो मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ, मुझे तो वैसे भी अगले साल रियल पेपर देना है, तो प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट, अभी भी समय है, 100% दे दो, फिर पेपर के बाद डिसाइड करना कि ड्रॉप की जरूरत है या नहीं है. आपको क्या पता, शायद पेपर आपके फेवर में हो, है ना, जो चीज़ें यूजुअली आप अच्छे से करते हो वही आती हो, है ना, और आपका इसी साल हो जाए. लेकिन अगर अभी से ढीले पड़ गए तो बेटा चाह के भी नहीं हो पाएगा, है ना. तो प्लीज़ मेरे से कोई ड्रॉप की बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं यहाँ ड्रॉपर बनाने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ पर आपको टॉप कराने के लिए बैठी हूँ, ठीक है. ड्रॉपर नहीं, टॉपर बनना है हमने. ओके, चलिए चलिए आ जाइए. यस, लेट अस स्टार्ट अप. फर्स्ट क्वेश्चन, आपको ड्रिल पता है कैसे आंसर करना है, आंसर कैसे करना है, आप लोग वन के आगे टू, वन के आगे थ्री, या वन ए वन बी वन सी, इस तरीके से आंसर देंगे, ठीक है. स्टार्ट करते हैं. ओके, मैच द टाइप ऑफ द एनिमल्स गिवन इन कॉलम वन विद देयर एग्जांपल. चलो जी, शुरू भी हुआ तो कहाँ से हुआ, शुरू भी हुआ तो बेटा कहाँ से हुआ, आपके एनिमल किंगडम से हुआ, ठीक है. लिम्बलेस रेप्टाइल कौन है भैया जी, कोबरा है, ठीक है ना. देन जॉलेस वर्टिब्रेट कौन है, लैम्प्रे. फ्लाइटलेस बर्ड, ऑस्ट्रिच, ठीक है. ओके, लार्जेस्ट टेरिस्ट्रियल एनिमल एलिफेंट, ठीक है. लिम्बलेस एम्फीबियन इक्थियोफिस, कौन सा आंसर बनेगा, सी. यस गाइस, विच आंसर, बी तो नहीं बन रहा, बी तो नहीं बन रहा बेटा जी. ए के सामने आ जाएगा 5, बी के सामने आ जाएगा 2, सी के सामने आ जाएगा 4. अच्छा अच्छा, सही है सही है. डी के सामने आ जाएगा 1, ई के सामने आ जाएगा 3. बिल्कुल सही है यार, बी बन रहा है, बी ही बन रहा है, बी बन रहा है यार. तुम मेरे कहने पे चेंज मत किया करो, ठीक है, चेंज मत किया करो, मैच कर लो ना, ऐसे मैच करके. जब भी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस करेंगे ना गाइस, तो खुद से मैच करेंगे, ठीक है, खुद से मैच करेंगे, इस तरीके से खुद से मैच करेंगे. जब तक आप मैच नहीं करेंगे तब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है. जब तक आप मैच नहीं करेंगे तब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है. मैच कर लिया, आगे आ जाइए. नेक्स्ट वन, अगला सवाल है बेटा जी इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पे. ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं और आपको उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर से मैच करना है. चलो जी बता दो, कॉकरोच, कैटफिश, अर्थवर्म, बलानोग्लॉसिस एंड फ्लैटवर्म्स. जो जो पक्के हैं पहले वो लगा लिया करो, जरूरी नहीं है लाइन से लगाने हैं. जो जो जैसे पक्के होते हैं कि कॉकरोच का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है मालपिजियन ट्यूब्यूल, बलानोग्लॉसिस का है प्रोबोसिस, फ्लैटवर्म का है फ्लेम सेल्स, अर्थवर्म का है नेफ्रिडिया, ठीक है. बची कौन सी, कैटफिश. कैटफिश का क्या हो जाएगा, किडनीज. बट हम यहीं से निकाल लेते हैं, ए का 2 करना है, ठीक है. सी का क्या करना है हमने, 1 करना है, यही बनेगा. डी का क्या करना है, 5 करना है. ई का क्या करना है, 4 करना है. तो बी का ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 3. डी इज द राइट आंसर, ठीक है. जितने आप बना पा रहे हैं उतने पहले मैच कर दो, और प्लीज लाइंस लगा के करना, हवा में नहीं करना, ये ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल इट किल्स. वो लिखा होता है ना जब गाड़ी चलाते हैं, ऐसे स्लोगन लिखे होते हैं कि ओवर स्पीडिंग किल्स, वैसे ही यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू किल, ठीक है. तो प्लीज़ ये लाइनें वाइने मार लेना, तुम्हें पेन मिलेगा वहाँ पर, अपना इंक यूज़ नहीं हो रही है तुम्हारी, ठीक है. चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड द नेम ऑफ द फाइलम. क्वानोसाइट्स, नाइडोप्लास्ट, फ्लेम सेल, नेफ्रिडिया, कूम्प्लेट्स. बहुत आसान है, चलिए लाइनें मार लेते हैं. देन क्वानोसाइट्स होते हैं बेटा जी पॉरीफेरा में, नाइडोप्लास्ट होते हैं आपके सिलेंट्रेटा में, फ्लेम सेल होता है प्लैटीहेलमिंथीज में, नेफ्रिडिया होते हैं एनिलिड्स में, और कूम्प्लेट्स होता है टीनोफोर में. बता दो जी, ए के सामने आना चाहिए 3, एक में ही है. बी के सामने आना चाहिए 4, सी के सामने आना चाहिए 1, डी के सामने आना चाहिए 5, ई के सामने 2. करेक्ट आंसर डी है ना, करेक्ट आंसर बेटा जी डी. आसान आसान, जैसे ही आपने वो लाइन्स मारी आपके लिए सिचुएशन क्या हो गई, बहुत ही इजी हो गई है. चलिए नेक्स्ट वन, अगला सवाल भी आया है आपका एनिमल किंगडम में से. फाइसेलिया, मियांडरीना, गॉर्गोनिया एंड अडामजिया, चलिए मैच करें. फाइसेलिया इज द पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, पता है हमें. मियांडरीना इज द ब्रेन कोरल, गॉर्गोनिया इज द सी फैन, अडामजिया इज सी एनिमोन. सही है ना, सही है. ए का 4 होना चाहिए, इन दोनों में है. सी का 3 होना चाहिए, इसी में है. बी का क्या है 2, डी का क्या है 1. करेक्ट आंसर सी. सबका सी आ रहा है. आरती गुप्ता, कल्पना, अयान, शोएब, अर्चना विद द राइट आंसर. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक. चलिए जी, कुछ तो याद है, कुछ तो याद है. नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम्स का क्वेश्चन आ गया, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है. साइंटिफिक नेम चलिए मैच करते हैं. पेनाट्यूला, पेन, पेन से याद रख लेना, पेन इज सी पेन, ठीक है. एंटीडॉन, इकाइनस, सी अर्चिन, क्यूकुमेरिया, सी क्यूकम्बर. चलो इतने मैच करो,
ए के सामने आना चाहिए टू, सब में ही टू है. अच्छा, डी के सामने आना चाहिए फोर, इन दोनों में है, तो 50-50 नहीं हो पाया. इसमें भी है इकाई ना सी अर्चिन, सी के सामने आना चाहिए थ्री. सी कहाँ है, इसे बी कहाँ है यार, ये बी होना चाहिए है ना, क्या लगता है, ये बी होना चाहिए, ये सी होना चाहिए है ना, कुछ तो गड़बड़ाहट है, ये डी होना चाहिए है ना, ये डी होना चाहिए. क्या आएगा बेटा जी, क्या आएगा, सी के सामने आना चाहिए वन. ना ना ना, एंटीडॉन ने सी ले ली, सी के सामने आना चाहिए थ्री, ठीक है, बी के सामने आना चाहिए वन, ए के सामने आना चाहिए टू. सी, सी इज द राइट आंसर. बताइए क्या आंसर होगा, सी या डी, बोथ है. अरे बाप रे, सी और डी दोनों में सेम दिया हुआ है. सी और डी में सेम ऑप्शन है बेटा जी. अगर आपको ऐसा आ गया ना, अगर आपको ऐसा आ गया, मजे हो जाएंगे. कुछ भी अटेम्प्ट करके आओ, फ्री नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको ऐसा आएगा नहीं. वो पेपर बहुत बारी रिव्यू होता है, इसीलिए उसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते नहीं है. चलिए कोई बात नहीं, आगे आ जाते हैं. फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड. चलो बता दो, फैटी एसिड कौन सा है इसमें से. फैटी एसिड तो बेटा पामिटिक एसिड है, ए के सामने आ जाएगा फोर, एक में ही है. फॉस्फोलिपिड इज थ्री, लेसिथिन. एरोमेटिक अमाइनो एसिड सी का टू, ट्रिप्टोफैन. एसिडिक अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड. बहुत ही आसान, एक ही था. इस बार यू नो नीट 2020 में इसी टाइप के क्वेश्चन आए, कंफ्यूज ही नहीं कर रहे हैं. एक में ही हमें, मतलब एक ऑप्शन से ही समझ आ जा रहा है कि यार यही बनेगा इसका, बिल्कुल वैसा ही हाल है. ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं. नेक्स्ट, मैच द बायो मॉलिक्यूल्स इन द गिवन कॉलम वन विद देयर एग्जाम्पल इन द गिवन कॉलम टू. बायो मॉलिक्यूल मैच करना है. इसमें मैं एक चीज आपको सही करा रही हूँ, ये इंसुलिन नहीं है, इनुलिन है. चलो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा बेटा. ये इंसुलिन नहीं है, ये क्या है, इनुलिन है. इंसुलिन होगा तो मैच नहीं होगा, कर चुकी हूँ मैं. यस, चलो. कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनुलिन होते हैं. प्रोटीन इसमें से कौन सा है, ट्रिप्सिन. न्यूक्लिक एसिड है, एडिनाइलिक एसिड. लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल. डिराइव लिपिड है ना, कोलेस्ट्रॉल. यस, मैच कर दो, मैच कर दो बेटा. तो ए के सामने थ्री, ठीक है, इन दोनों में ये. बी के सामने वन, सी के सामने फोर, हाँ जी, डी के सामने टू. चलिए जी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए. बी कौन बोल रहा है, ये जो बी वाला बच्चा लगता है माइक्रोब्स वाला चैप्टर सीरियसली ले लिया है. घर में बनाना बनाना शुरू तो नहीं कर दियो बेटा, हैं, बताओ, बड़ा सीरियसली ले रहे हो माइक्रोब्स वाला चैप्टर, अभी पढ़ के आए हो मुझे पता है. चलिए आ जाइए नेक्स्ट वन, बायो मॉलिक्यूल्स. कोलाजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, ग्लूट फोर. हाँ जी, कोलाजन क्या है, इट्स एन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस. ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम, इंसुलिन इज अ हार्मोन, ग्लूट फोर इज फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. ए के सामने थ्री, बी के सामने फोर, सी के सामने टू, डी के सामने वन. एक ही आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, है ना, यही बन रहा है ऑप्शन नंबर ए ही बन रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बन रहा. गुड, हाँ जी, आगे चलते हैं. यस, अगला सवाल, पिगमेंट्स, टर्पिनॉइड्स, एल्कलॉइड्स, लेक्टिन्स. बताइए भाई, पिगमेंट जो कलर देती हैं, कौन कलर देता है. यस, कैरोटीनॉइड्स, ए के सामने फोर. टर्पिनॉइड्स, टर्पिन्स वाला, बी के सामने टू. एल्कलॉइड्स बेटा मॉर्फिन एंड कोडिन, सी के सामने थ्री. लेक्टिन्स इज कॉनकैनवलिन, डी के सामने वन. ए की करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. टेंथ का क्या है बेटा जी, ऑप्शन नंबर ए. यस यस, यही है, दिस इज क्वेश्चन नंबर टेंथ. इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए. सिंपल, कहाँ से टेबल आया, दिस टेबल, दिस मैच द फॉलोइंग हैज कम फ्रॉम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. एक टेबल दिया हुआ है, किसका, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, बस वहीं से आया है और कहीं से नहीं आया. ठीक है, वहीं से आया. चलिए गुड, चूज द करेक्ट मैचिंग. ऑल्दो ये मैच द फॉलोइंग नहीं है, बट उसके जैसा दिख रहा है, करेक्ट बताना है. रेनिन क्या एक प्रोटीन है, ट्रिप्सिन क्या स्टार्च है, इनवर्टेज सुक्रोज, ओके, अमाइलेज लैक्टोज. ये तो गलत हो गया. ठीक है, क्या रेनिन प्रोटीन पे एक्ट करता है, सबसे पहले दिस रेनिन इज अ हार्मोन, दिस इज अ हार्मोन. ठीक है, ट्रिप्सिन डज नॉट एक्ट ऑन स्टार्च, अमाइलेज डज नॉट एक्ट ऑन लैक्टोज, इनवर्टेज एक्ट्स ऑन, रेनिन डज नॉट एक्ट ऑन प्रोटीन. ये गलत है,
एक ही सही है, सी इज द राइट आंसर. बेटा एनालॉजी समझिए, एनालॉजी समझिए कि कौन किस पे एक्ट कर रहा है. क्या माइलेज लैक्टोज पे एक्ट कर रहा है? नहीं. क्या ट्रिप्सिन स्टार्च पे एक्ट कर रहा है? नहीं. लेकिन इन्वर्टेड सुक्रोज पे एक्ट कर रहा है. सो दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ठीक है, चलिए आगे आ जाइए. Identify the correct set which shows the name of the enzyme from where it is secreted and the substrate upon which it will act. अच्छा, जहाँ से secrete हो रहा है and the substrate it will act. Pepsin क्या stomach की wall से हो रहा है और protein पे act करेगा? Tylin क्या intestine में से हो रहा है? भाई जी गलत. Chymotrypsin salivary gland से हो रहा है? नहीं, ये pancreas में से होता है. Tylin क्या pancreas में से होता है? Tylin is salivary amylase. ठीक है, तो ये इस पे नहीं होगा. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए. सिर्फ एक ही मैचिंग ठीक है ना, क्योंकि पेप्सिन स्टमक में से गैस्ट्रिक जूस का पार्ट है एंड इट एक्ट्स ऑन योर प्रोटीन्स एंड कन्वर्ट इट इनटू पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स. ठीक, चलिए आगे आ जाते. यस, सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोडक्ट इन द ह्यूमंस विद देयर एब्जॉर्प्शन साइट्स एंड देयर मैकेनिज्म. करेक्ट बताना है बेटा जी. फ्रक्टोज एंड सोडियम, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैसिव एब्जॉर्प्शन. नहीं बेटा, फैसिलिटेटेड होता है. ठीक है, ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड ड्यूडेनम में मूव एज काइलोमाइक्रॉन्स. ड्यूडेनम में मूव नहीं करते हैं बेटा. कोलेस्ट्रॉल एंड माल्टोज, लार्ज इंटेस्टाइन में एक्टिव एब्जॉर्प्शन, लिपिड्स का एक्टिव नहीं होता है. ग्लाइसिन एंड ग्लूकोज, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिव एब्जॉर्प्शन. अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे और एक्टिवली होंगे. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. यस, पीडीएफ किसका? कृतिका. आई गेस मैंने सारे पीडीएफ दे दिए. रह गया क्या कल का पीडीएफ? डिड आई मिस डायग्राम वाला पीडीएफ देना रह गया? डिड यू चेक टेलीग्राम? डिड यू चेक टेलीग्राम? कल का पीडीएफ रह गया क्या बेटा? रह गया तो कोई बात नहीं, आज दे देंगे. पीडीएफ की कमी नहीं है मैम के पास. यस, बिल्कुल ठीक है डी. ओके 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 अनीशा, ठीक है ठीक है. इस बारे में जिसमें मैंने किया है ना वही वाली फाइल भेजूंगी. ओके, Which of the following is correct matching of the site of action of the given substrate and enzyme acting upon it? Correct बताना है. क्या stomach के अंदर fats पे lipase act करके micelle बनती है? नहीं बनती. क्या duodenum में triglyceride trypsin की वजह से monoglyceride बनाते हैं? बेटा lipase आएगा. Small intestine में starch पे alpha amylase act करेगा, disaccharide बनेंगे, ये true है. स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स पे पेप्सिन एक्ट करेगा? नहीं जी. एक ही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी. 14 का सी इज द राइट आंसर. बेटा बाकी सब क्या दिए हुए? गलत दिए हुए. ठीक है, गलत दिए हुए. चलिए आगे आ जाते हैं. विच वन ऑफ द फोर सिक्रीशंस इज करेक्टली मैच. अरे मैच द फॉलोइंग कहाँ गए? मैच द फॉलोइंग पे आते हैं. हाँ जी, अर्थवॉर्म, ह्यूमन, प्रॉन, इंसेक्ट. अर्थवॉर्म में कैसी रेस्पिरेशन होती है? क्यूटेनियस. ह्यूमन में पल्मोनरी, प्रॉन्स में गिल्स के द्वारा ब्रेंकियल एंड इंसेक्ट्स में ट्राकिया के द्वारा ट्राकियल. समझ रहे हो ना? इसमें स्किन से होती है, इसमें लंग से होती है, इसमें गिल्स से होती है और इसमें ट्राकिया से होती है. तो मैच कर लो. ए के सामने 4, ठीक है, बी के सामने 1, सी के सामने 2, डी के सामने 3. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. यस, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं. एजमा, ब्रोंकाइटिस, राइनाइटिस एंड एम्फाइसिमा. हाँ जी, एजमा में क्या सीन है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई. यस, ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई हो जाएगा. बी का 4, ए का 2, ठीक है, सी का 1, डी का 3. दिस इज द राइट आंसर, है ना. ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई. वो एक ही में दिया हुआ था, है ना, वो एक ही में दिया हुआ था. दैट इज ऑप्शन नंबर 4. और किसी में दिया ही नहीं हुआ, और किसी में बेटा जी दिया ही नहीं हुआ है. ठीक है, और राइनाइटिस होता है जुकाम हो जाना. जुकाम में इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजल ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज इन्फेक्टेड. ठीक, बिल्कुल सही. नेक्स्ट, कहां से सवाल आया है? पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज मैच करना है आपको. रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, IRV एंड IC. रेजिडुअल वॉल्यूम पहले देख लो, ए के सामने आता है 3, ठीक है, किसमें दिया हुआ है? इसी में दिया हुआ है, एक में ही है. बेटा थोड़ा सा नीचे देख लिया करो, बिल्कुल मैच द फॉलोइंग में घुसे मत रहा करो, ऑप्शंस भी साथ साथ देखते जाओ. VC कितना रहेगा? B का 4, ठीक है. IRV कितना है? C का 1, 2500. IC कितना हो जाएगा? 3500. यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. वैसे तो एक से ही आ गया था, बट फिर भी सारे देखना भी हमारा फर्ज है. चलिए आगे चलते हैं.
नोज एपिग्लॉटिस फेरिंग्स एंड लेरिंग्स को मैच करना है. नोज क्या है? नोज. इट विल ट्रैप द बैक्टीरिया एज वेल एज डस्ट. देख लेते हैं. एपिग्लॉटिस इट विल स्टॉप द फूड गोइंग डाउन इन टू द लंग्स. बी का 1 इसी में दिया हुआ है. सी का बेटा जी 4 अलाउज एयर टू गो फ्रॉम नोज टू इसोफेगस. ठीक है. डी का 2 यस. लेरिंग्स प्रोड्यूस साउंड्स. यस यही आएगा बेटा जी. ऑप्शन इज गोइंग टू बी बी. बी है अंकुर. वही मैं कह रही हूँ, अंकुर ने थोड़ा सा सीरियसली ले लिया माइक्रोब्स वाला चैप्टर, है ना. माइक्रोब्स वाला चैप्टर सीरियसली ले लिया बेटा जी. बाहर आओ, उससे कुछ नहीं होता. लिवर में ही माइक्रोब्स वाला चैप्टर सीरियसली लेते हो अंकुर, तो थोड़ा ह्यूमन हेल्थ में भी एक डिजीज दी हुई है, फैटी एसिड लिवर, है ना. फैटी लिवर, लिवर सिरहोसिस, तो उसमें भी थोड़ा सा अपना ज्ञान डालिए, प्रकाश डालिए. प्रकाश डालेंगे तो पता चलेगा कि जो माइक्रोब्स में तुम सीरियसली ले रहे हो उससे तुम्हारा ह्यूमन हेल्थ में गड़बड़ आ जाएगा मामला, है ना. चलिए ओके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑर्गन्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ब्रोंकाई, 2 ब्रांचेस ऑफ ट्रेकिया दैट ब्रिंग्स एयर टू द लंग्स, ये तो ट्रू है. ट्रैकिया, स्मॉल फ्लैप दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड. नहीं बेटा, ट्रैकिया फ्लैप नहीं होता. डायफ्राम, डोम शेप मसल दैट पुशेज ऑन द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. एल्वियोलाई, प्योर ऑर्गन, प्योर ऑफ ऑर्गन दैट इन्फ्लेट. ओके नो, ये सही है बेटा, ये ट्रू है. ए और सी ट्रू है. ए और सी ट्रू का मतलब है ऑप्शन इज सी. यस, ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी. यही आ रहा है, यही आ रहा है. तुम भी देख रहे हो कि नहीं देख रहे? हर्षद सी पहुजा बायोलॉजी नाम से सर्च करो, ठीक है, मिल जाएगा. ठीक, यस. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हार्ट इज करेक्टली मैच्ड टू इट्स रिस्पेक्टिव ग्रुप ऑफ एनिमल्स. 2 चेंबर्ड हार्ट बेटा फिशेज में होता है, एम्फीबियंस में नहीं होता है. उसमें 3 होता है, 3 होता है एम्फीबियंस एंड बर्ड्स में 4 होता है. गलत हो गया. 4 होता है बर्ड्स और मैमल्स में, ट्रू. 3 होता है रेप्टाइल्स में लेकिन मैमल्स में नहीं होता है. ठीक, करेक्ट आंसर पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 होगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा, यही आया. चलिए आगे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर. ओके, लव इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. अब इसके लिए बेटा जी आपको ये बनाना बहुत जरूरी है. कार्डियक साइकिल, ये होता है एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल. यहां पे जो हार्ट साउंड आती है दैट इज कॉल्ड एज लब. यहां पे जो हार्ट साउंड आती है दैट इज कॉल्ड एज डप. पूछा क्या गया है? मैचिंग. लब कब आई? इट इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ द एवी वॉल्व एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ट्रू है जी, वैसे तो पहली ट्रू है. डप, इट इज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ, देखो वॉल्व के खुलने की कभी आवाज नहीं आती, बंद होने की आती है. पल्सेशन ऑफ द रेडियल आर्टरी वॉल्व इन द ब्लड वेसल. आर्टरी में वॉल्व नहीं होते हैं पर किंजे फाइबर्स दे डू नॉट इनिशिएट हार्ट बीट. यहां पर आना चाहिए था एस ए नोट, इट इनिशिएट्स हार्ट बीट. तो एक ही करेक्ट बैठ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, है ना अंजलि. बिल्कुल ठीक है माक्षी, जिया, ओम, मानसी, एब्सोल्यूटली ओके. Which one of the following alphabet is correct representation of the respective activity? बेटा match the following में थोड़े से ऐसे वाले सवाल भी आ गए, बुरा तो नहीं मानोगे ना. कर लें, क्या कहते हो, कर लें, टपा दें, हैं, कर लें या टपा दें? थोड़े से सिंपल सवाल भी आ गए, कोई बात नहीं, चेंज होना चाहिए, है ना. क्या पूछा? करेक्ट पूछा. पीस, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है. R is not repolarization of ventricle, गलत है. S is not start of systole, गलत है. T is not end of diastole. P is depolarization of atria. A ही है correct answer. Yes, A is the right answer. अच्छा, अब आ गया match the following. अब ठीक है थोड़ा सा. Yes. Erythrocytes, eosinophil, lymphocytes, neutrophils and basophils से match करना है. हाँ जी, erythrocyte बताइए. ब्लड सेल दैट कंटेन्स हेमोग्लोबिन एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. ए का 4 होना चाहिए, तो पहले लगा लेते हैं. ए का 4 लगा लेते हैं. अब बी पे आ जाओ. इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं. डी का 1 निकालो, डी का 1 लगा लो, यही बनेगा. ई का क्या आ जाएगा? 2, लीस्ट अबंडेंट. डब्ल्यू बी सी रिलीज हिस्टामिन, बिल्कुल ठीक है. बी के सामने आ जाएंगे 3, रिजिस्ट इन्फेक्शन. एंड सी के सामने आ जाएंगे 5. आपने देखा
प्लीज नोटिस द पैटर्न दैट आई एम फॉलोइंग वाइल सॉल्विंग मैच द फॉलोइंग. मैं जो पैटर्न फॉलो कर रही हूँ आप देखिए, अगर मुझे पांचों में से एक भी मिल जा रहा है तो मैं नीचे मैंने मार्क करना शुरू कर दिया. तो अगर मुझे पांच में से तीन भी आते हैं उससे भी मैं करेक्ट आंसर निकाल सकती हूँ. तो वहां पर अड़े नहीं रहना कि यार कैसे मैच करें. आप नीचे ऑप्शंस को साइमल्टेनियसली देखेंगे. क्या ये बात समझ आई? क्या ये आपको ट्रिक समझ आई क्वेश्चन सॉल्व करने की? बता दो एक बारी, क्या ये ट्रिक समझ आई एक बारी यार? सेशन को लाइक करके एंड अपनी फेवरेट इमोजी भेज के बता दो. सेशन को लाइक और जिसने कर लिया है वो फेवरेट इमोजी भेज के बताएं. क्या ये चीज समझ आई? फटाफट से सेशन को लाइक कर दो. यस, यही करते हो आप भी? गुड. जो बच्चे यही करते हो तो बहुत सही दिशा में, बहुत सही दिशा में. गुड गुड गुड. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट वन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन? प्लाज्मा, हार्ट, कैपिलरी, ब्लड. अच्छा, सामने देखना. प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड दैट कंसिस्ट ऑफ सस्पेंडेड ब्लड सेल्स. अच्छा, हार्ट इज साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. नहीं भैया जी, कैपिलरी इज रेड कलर्ड फ्लूइड दैट प्रोवाइड्स फ्लूइड टू द सेल, फूड टू द सेल. ब्लड इज अ पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी. नो, ए आएगा. ए इज द राइट आंसर, है ना? ए बिल्कुल ठीक है अनिशा एंड सोमिक. ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ए की बेस्ट बैठ रहा है, ए की बेस्ट बैठ रहा है. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट, मैच द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन द कॉलम वन विद द पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन कॉलम टू. चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन एंड स्टोरेज ऑफ यूरिन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होती है? ग्लोमेरुलस या मल्पिजन कॉर्पसल में. ए का फोर कर लो, ठीक है. कंसेंट्रेशन ऑफ द यूरिन हेनलेज लूप में होती है वैसे. सी का टू आ रहा है. यस, ट्रांसपोर्ट ऑफ द यूरिन, स्टोरेज ऑफ द यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर. सिंपल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. 26 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. सबका यही आ रहा है, सबका. चलिए गुड, आगे चलते हैं. नेक्स्ट वन, ठीक है. नेक्स्ट सवाल. ओके, मैच. जो बच्चे चाह रहे थे कि मैम डिसऑर्डर्स पे सवाल नहीं आया, डिसऑर्डर्स पे सवाल नहीं आया, डिसऑर्डर्स में बेटा जी सवाल आ गया है. अब कर लो सॉल्व तुम. यूरेमिया, हिमैट यूरिया, कीटोन यूरिया, ग्लाइकोस यूरिया एंड प्रोटीन यूरिया. बहुत आसान है. यूरेमिया, ब्लड में अगर यूरिया ज़्यादा हो जाए, एक आ जाएगा फाइव. हिमैट यूरिया, अगर यूरिन के अंदर ब्लड सेल्स आ जाए. कीटोन यूरिया, हाई कीटोन बॉडीज. ग्लाइकोस यूरिया, ग्लूकोज आ जाए. प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन आ जाए. नाम पे ही है आंसर. क्या है? नाम पे है. चलो जी, ए के सामने आना चाहिए फाइव, एक में ही है. बी के सामने थ्री, सी के सामने टू, बिल्कुल ठीक है. डी के सामने फोर, इसके सामने वन. ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. 27 का आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी? ए आ जाएगा. यस, चलिए अगला आ जाए. पीसीटी, DCT, descending limb and ascending limb. बताइए भाई PCT में क्या हो रहा है? PCT में क्या हो रहा है? सोडियम एंड वाटर ड्यू टू PCT में बेटा प्राइमरी साइट ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड. एक आना चाहिए थ्री. लेट मी सी, एक का वन नहीं आएगा, एक आएगा थ्री. बी के सामने आना चाहिए टू, ठीक है, बिकॉज इसमें कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होती है. सी के सामने क्या बोल रहे हैं? फोर. यस, बिल्कुल ठीक है. असेंडिंग लिम्ब प्राइमरी साइट ऑफ, नहीं, डी के सामने आएगा आपका वन. सोडियम इज रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली. यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. डी आएगा बेटा जी, डी आएगा, है ना? डी आएगा, बिल्कुल ठीक है. मैच करके देख लो. पीसीटी में बेटा प्राइमरीली आपके ग्लूकोज अमाइनो एसिड रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं. डीसीटी में कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होती है. कौन सी? कंडीशनल. तभी यहाँ लिखे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स. एंड डिसेंडिंग लिम्ब में सिर्फ वाटर रीअब्सॉर्ब होता है और इधर आपके सॉल्ट्स रीअब्सॉर्ब होते हैं. तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है. हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए. कम ऑन कम ऑन. सबको पता चल गया ना यार क्या आज, आज क्या है एक बार बता दो आज क्या है. यस, हाँ हाँ हाँ, यहाँ तो पार्टी चल रही है बिल्कुल. आज क्या है? यस, आज, आज जिसको नहीं पता मैं बता दूं. हम अभी कौन से नंबर स्लाइड पे? 34, ठीक है.
जिसको नहीं पता अभी मैं बता दूं बेटा जी, आज ये है जिसने नहीं एनरोल किया, इट इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट मॉक टेस्ट दैट यू आर गोइंग टू सी बिफोर नीट एग्जामिनेशन इन इंडिया। सबसे ज्यादा बच्चे इस मॉक टेस्ट में बैठने वाले हैं, तो जिसको नहीं पता है वो लोग बेटा देख सकते हैं। 28th of August है आज, सेशन खत्म नहीं हुआ है, टेंशन मत लो कि दौड़ने चले, नहीं बेटा जी, जस्ट बता रही हूँ, अभी भी वक्त है, एनरोल कर लो, ठीक है, अभी भी वक्त है बेटा जी, एनरोल कर लीजिए। चलिए आगे आ जाइए। Which of the following enzyme is correctly paired with its function? Renin enzyme that catalyzes the formation of angiotensin 1, true. Aldosterone regulates water reabsorption at the DCT, वैसे it regulates sodium reabsorption, ज़्यादा अच्छा मुझे sodium लगता है। ADH is a powerful vasoconstrictor that stimulates the secretion of aldosterone, no G. Angiotensin 2 promotes reabsorption of sodium at the distal convoluted tubule. 1 and 4, है ही नहीं। एंजियोटेंसिन 2 आगे क्या कराता है? एल्डोस्टेरॉन को रिलीज कराता है। ओहो अच्छा, गड़बड़ा गए बेटा, ये तो हार्मोन होता है। यस यस यस, ठीक, इट्स एन हार्मोन, तो वन नहीं हो सकता, सही, वन नहीं हो सकता। क्या पूछा है हमसे? करेक्ट पूछा है, ठीक है, करेक्ट पूछा है। एल्डोस्टेरॉन रेगुलेट्स ADH, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं, ओनली थ्री, टू थ्री एंड फोर, क्या लगता है बेटा? ए और सी तो हो ही नहीं सकते, ए और सी तो हो ही नहीं सकते हैं। ये वैसे ऑटोमेटिकली करा रहा है, इनडायरेक्टली करा रहा है, यस ये भी कराता ही है, पावरफुल वैसो कंस्ट्रक्टर दैट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ। मुझे थ्री इतना अच्छा नहीं लग रहा बेटा, ADH इज अ पावरफुल वैसो कंस्ट्रक्टर दैट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ, ओनली थ्री मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थ्री आना ही नहीं चाहिए था। करेक्ट पेयर्ड विद इट्स फंक्शन, गड़बड़ है बेटा क्वेश्चन में, है ना, थ्री इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं, बट फिर भी हमें टिक करना पड़ रहा है। और पूछ रहे हैं करेक्ट, क्या रेनिन एक एंजाइम है? नहीं बेटा, रेनिन एक हार्मोन है जो कैटेलाइज करता है फॉर्मेशन ऑफ, यस ये गड़बड़ है, चलिए कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। Which of the following is correctly matched with its function of a specific part of nephron? Correct matching. Afferent arteriole carries blood away from the glomerulus. Galat. Podocytes create minute slit pores for the filtration of blood into the Bowman's capsule. Henle's loop reabsorption of the major substance. Galat. And DCT reabsorption of the पोटेशियम आयन इन टू द सराउंडिंग ब्लड कैपलरीज। ऐसा नहीं है बेटा जी, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रेजुल, क्या नाम है, नया नाम है, गुड, ओके। लोकोमोशन के सवाल आ गए। थ्री ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ह्यूमन स्केलेटल पार्ट्स आर करेक्टली मैश्ड विद देयर रिस्पेक्टिव इंक्लूसिव स्केलेटल कैटेगरी। वन पेयर इज नॉट मैश्ड, आपको बताना है विच इज नॉट मैश्ड, नॉन मैचिंग। स्टर्नम एंड रिब्स दे आर पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, ट्रू। क्लाविकल एंड ग्लिनॉइड पेल्विक गर्डल, नहीं जी, क्लाविकल पेक्टोरल गर्डल में होता है, किसमें? पेक्टोरल, वैसे तो यही है बट बाकी भी देख लो। ह्यूमरस एंड अल्ना अपेंडिकुलर स्केलेटन, मैलियस एंड स्टेप्स ईयर ऑसिकल्स, ट्रू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। हाँ जी चलिए आगे चलते हैं, अब मैच करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स विद द एग्जाम्पल ऑफ द साइनोवियल ज्वाइंट इन ह्यूमन, बताइए, करेक्ट बताना है। फ्लूइड फिल्ड बिटवीन टू जॉइंट्स प्रोवाइड्स कुशन, स्कल बोन्स, फॉल्स। बेटा स्कल में होती है फाइब्रस जॉइंट्स जिसमें फ्लूइड नहीं होता है। फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स जॉइंट्स बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, हाँ जी ये साइनोवियल है। लिम्फ बिटवीन टू बोन्स, लिम्फ नहीं होता, यस। फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स लिमिटेड मूवमेंट, फॉल्स, ओनली बी इज द राइट आंसर, है ना। आपसे जॉइंट बिटवीन C1 एंड C2 बोला है, दैट इज पिविट जॉइंट। पिविट जॉइंट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। कैसा जॉइंट है पिविट जॉइंट? साइनोवियल जॉइंट है। तो यार साइनोवियल जॉइंट अपना सिंपल ऐसा होता है जिसमें दो बोन्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड और मैक्सिमम मोबिलिटी इसी जॉइंट में पॉसिबल है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जॉइंट्स एंड इट्स लोकेशन इज करेक्टली मैच्ड। क्या हिंज जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रे होता है? नहीं।
क्या कार्टिलेजनस जॉइंट बिटवीन स्कल बोन होता है? नहीं। क्या फाइब्रस जॉइंट बिटवीन फैलेंजेस होता है? नहीं। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेटा ये पता लग रहा है कि तुम किसका आंसर दे रहे हो? मुझे नहीं पता चल रहा बी और डी तुम्हारा कहाँ है। ऐसे लिखा करो ना 33B या फिर लिख रहे हो 32B, कुछ तो लिखा करो हैं, कुछ तो लिखा करो। एलिमिनेशन से निकाल दिया मैंने ये आंसर। कैसे निकाल दिया? एलिमिनेशन से। चलो आगे आ जाइए। मैच द फॉलोइंग। ह्यूमरस एंड अल्ना, मैलियस एंड स्टेप्स होते हैं ईयर ऑसिकल। बी के सामने आना चाहिए। क्या बताना है? अच्छा करेक्ट मैचिंग बतानी है। ह्यूमरस एंड अल्ना पेंडिकुलर स्केलेटन ट्रू, मेलियस एंड स्टेप्स ईयर ऑसिकल्स ट्रू, स्टर्नम एंड रिब्स एक्सल स्केलेटन ट्रू, क्लेविकल एंड ग्लिनॉइड पेल्विक नहीं पेक्टोरल। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सवाल आया था। तो ए बी सी सही है अपने। ए बी सी सही होने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी। यस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना? सबका ये आ रहा है बेटा। कुछ नहीं होता है साक्षी, वो गलत था ऑप्शन, ऐसा कुछ नहीं होता है। कार्टिलेजनस जॉइंट के बीच में कार्टिलेज ही होगा, फ्लूइड नहीं होगा। साइनोवियल जॉइंट के अंदर फ्लूइड होगा, दैट इज साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग, रियल मैच द फॉलोइंग पे आ जाते हैं। बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पिवट, सैडल। बॉल एंड सॉकेट बेटा ये वाला जॉइंट, आपका शोल्डर जॉइंट एंड योर हिप जॉइंट, तो मैच कर लो। कहाँ है बेटा? ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, हिंज जॉइंट होता है आपका एल्बो जॉइंट और नीचे वाला नी जॉइंट। ठीक है, तो नी जॉइंट पे आ जाएंगे। पिवट जॉइंट होता है बेटा जी C1 और C2 के बीच में, एटलस और एक्सिस के बीच में। ठीक है, नो जॉइंट। ठीक, सैडल जॉइंट होता है बेटा ये वाला, कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थंब। अब मैच कर लीजिए 1 का 2, 1 में ही है, B का 3, हाँ जी C का 4, D का 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। सिलेक्ट द आंसर विद द करेक्ट मैचिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, इट्स लोकेशन एंड फंक्शन। तुम बताओ यार, तुम बताओ। मैंने बहुत पढ़ लिया, पेपर मेरा थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है पेपर मेरा है। यस, तुम बताओ, मैं देखती हूँ तुम्हें कितना आता है। पढ़ो, मैं इधर हो जाती हूँ। बताइए 36 का बताइए यार। यस करेक्ट मैचिंग बतानी है। बता दिया, कर रहे हो मेहनत हैं? ये क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगी। बिल्कुल सही है आंसर इज, चलो ठीक है, थोड़ी इज्जत रख ली तुमने अपनी भी मेरी भी। करेक्ट आंसर इज सी बेटा, ये इंटरनल ईयर में नहीं होता है, यूस्टेचियन ट्यूब मिडल ईयर में होता है। सेरिबेलम बेटा इट डज नॉट कंट्रोल रेस्पिरेशन, ब्लाइंड स्पॉट, रॉड्स एंड कोन्स दे आर एब्सेंट ओवर हेयर। ठीक है, दे आर एब्सेंट ओवर हेयर, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, मिसमैच, मिसमैच एक सीरीज भी है। यस, सेरिब्रम मेमोरी, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा टेम्परेचर, सेरिबेलम इक्विलिब्रियम ट्रू, ऑल्फैक्टरी लोब स्मेल। दिस इज मिसमैच बेटा, टेम्परेचर रेगुलेशन काम होता है हाइपोथैलेमस का। किसका काम होता है बेटा जी? हाइपोथैलेमस का। मेड्यूला के और बड़े काम है, इसके पास रेस्पिरेटरी सेंटर है, कार्डियक सेंटर है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, वॉमिटिंग सेंटर, ये सब काम मेड्यूला करता है, इनवॉलेंट्री काम। लेकिन ये यार टेम्परेचर का काम थर्मोरेगुलेटरी सेंटर के पास ही रहने देते हैं, दैट इज हाइपोथैलेमस। चलो जी मैच करिए, 38 का मैच करके बताओ बेटा, फटाफट से बता दो 38 का मैच करके बताइए। दिया हुआ है सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेड्यूला। यस बताइए बताइए, 38 सेरिब्रम बेटा मैच कर दो। इट कंट्रोल्स विजन एंड हियरिंग, सेरिबेलम, बॉडी पॉस्चर, सी का, ओके, कंट्रोल्स द पिट्यूटरी एंड कंट्रोल्स द रेट ऑफ द हार्ट बीट। यस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का 5 किसने किया है? 5 तो है ही नहीं यार, ए का 2 होगा ना, 5 तो इसमें है ही नहीं, ए का तो 2 होगा, B का 4 होगा, हाँ जी, C का 1 होगा, D का 3 होगा। यस 5 तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो बेटा जी वैसे ही गलत हो गया ऑप्शन में, कुछ ऊपर 5 है ही नहीं, है ना? चलो जी आ जाओ, ओके, राइट मैचिंग पूछी है। न, 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 न.
दो नाइट मैचिंग लग रही है, कलर परसेप्शन कोन्स की वजह से होती है, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है और इस क्वेश्चन में, बाइनोकुलर विजन आयरिस गलत, नाइट ब्लाइंडनेस जिसमें यस बी होगा इसका, 39 का बी, 39 है ना, यस 39 का आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल ठीक है. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग, आईज पे बड़े सवाल आ रहे हैं यार. सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द हार्मोन विद इट्स सोर्स एंड द फंक्शन, वैसोप्रेसिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन, प्रोलैक्टिन. चलो वैसोप्रेसिन क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, सोर्स वैसे गलत है इसका, इंक्रीज द लॉस ऑफ वाटर गलत, नॉरएपिनेफ्रिन एड्रिनल मेड्यूला इंक्रीजेस द हार्ट रेट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अलर्टनेस ट्रू, ग्लूकागॉन बीटा सेल नहीं रिलीज करते अल्फा सेल करते, प्रोलैक्टिन पोस्टीरियर नहीं एंटीरियर पिट्यूटरी करती है, करेक्ट आंसर बी बेटा जी. 41 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी, एक ही सही है, एक ही सही है. वैसोप्रेसिन बेटा इंक्रीजेस द लॉस ऑफ वाटर नहीं उल्टा करता है, और सबसे बड़ी इसका सोर्स होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आगे इसको स्टोर करके बैठा रहता है पोस्टीरियर. ग्लूकागॉन अल्फा सेल के द्वारा आता है, प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा आता है, ठीक है, तो एक ही ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर बी. चलिए आगे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर ग्लैंड इज करेक्टली मैच विद इट्स डिस्क्रिप्शन, देख लेते हैं, देख लें, यस देख लें, तुम बताओगे मैं बताऊं, तुम बताओगे बेटा मैं बताऊं, यस थायराइड हाइपर एक्टिविटी इन यंग चिल्ड्रन कॉजेस क्रेटिनिज्म, गलत, हाइपो एक्टिविटी होता है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चों में हो जाए तो क्रेटिनिज्म होता है. थाइमस स्टार्ट्स अंडरगोइंग एट्रोफी आफ्टर प्यूबर्टी ट्रू, पैराथायरॉइड सिक्रीट्स पैराथॉर्मोन विच प्रमोट्स द मूवमेंट ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन, गलत, उल्टा दिया हुआ है, फ्रॉम बोन टू ब्लड, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाने का काम होता है पीटीएच का, पैनक्रियाज डेल्टा नहीं बीटा सेल, अच्छा अच्छा That stimulates glycolysis. नहीं बेटा जी, yes, ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ना है, गलत, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओनली, सिर्फ एक ही सही है, सिर्फ एक ही सही है बेटा जी 42 में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. चलिए आगे आ जाइए, अब असली मैच द फॉलोइंग आया, ADH, ACTH, एल्डोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रेनलिन. ADH की वजह से होता है डायबिटीज इंसिपिडस, ACTH इज गोइंग टू कंट्रोल मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरॉन नहीं, एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, रुक जाओ, ACTH पिट्यूटरी के द्वारा है, एल्डोस्टेरॉन इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इंसुलिन से रिलेटेड है डायबिटीज मेलिटस, एड्रेनलिन से रिलेटेड है वैसोडाइलेटर. हाँ जी, A का 4, B का 1, ठीक है, तो ये 50-50 हो चुका है अपना, C का 2, D का 3, E का 5, करेक्ट आंसर C, करेक्ट आंसर बेटा जी ऑप्शन नंबर C, 43 का क्या हो जाएगा C, गुड. नेक्स्ट, अगेन अ मैच द फॉलोइंग फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी टेस्टिस ओवरी, हाइपोथैलेमस में से आया GnRH, A का 5, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी में से आया FSH एंड LH, B का 3, ठीक है, C का टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन, डी का 4 एस्ट्रोजन, सिंपल सिंपल आंसर, क्या क्या कौन कौन क्या क्या रिलीज कर रहा है, हाइपोथैलेमस GnRH, पिट्यूटरी LHNFSH, टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन, ओवरीज एस्ट्रोजन. चलिए मैच कर दो, FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन क्या काम करते हैं, चलो जी बेटा 45 का बताइए, 45 का बताइए फटाफट से, का आंसर बताइए आज बेटा. थोड़ा सा सेशन थोड़ा सा लंबा हम 10 मिनट खींच सकते हैं क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे सवाल हैं, इट्स अ वन शॉट, आपको थकना नहीं है आज, ठीक है, आज आपको थकना नहीं है. ओके एक बार मैं आपका देख लूँ आज आपकी कौन सी क्लास है, इसके बाद दीजिए दीजिए आंसर दीजिए, इसके बाद वैसे भी आज आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं है तो इट इज कंप्लीटली फाइन, वी कैन एक्सटेंड, है ना. क्या सोचा 45 का, ए मैच कर लूं, ए का 5 बोल रहे हैं, FSH मैच्योरेशन ऑफ ग्राफीन फॉलिकल, बी का क्या बोल रहे हो 4 बोल रहे हो, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, सी का क्या है 1 प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, डी का 2, बिल्कुल ठीक ढूंढा, क्या बात है बेटा, आपके लिए तालियां. यस क्वेश्चंस फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सिस्टम नाउ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैच करते जाओ, 46 का आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले देता है, रीटे टेस्टिस, लेडिक सेल, प्रोप्यूस,
डी के सामने आना चाहिए फाइव, पहले ढूंढ लो. लेडिक सेल सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल वन ए के सामने थ्री, मियोसिस एंड स्पर्म फॉर्मेशन अकर्स हियर, ठीक है. बी के सामने वन, नेटवर्क ऑफ द सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल, नहीं. जस्ट अ सेकेंड बेटा जी, हमारी बैटरी लो हो गई. आप लोग आंसर दीजिए. यस, अब ठीक है. यस यस यस, कौन सा आंसर आएगा? 46, 46 का. तुम्हें भी दिख गया, तुम्हें भी दिख गया, लगा दिया बेटे चार्जिंग पे. यस, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है. बी के सामने आएगा वन, सी के सामने आएगा टू, सी के सामने टू ही आना चाहिए, यही बनेगा. बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है. बी इज द राइट आंसर. ओके, मैच करिए. मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ इसको, अब दिख रहा होगा. एम्प्यूला, लिबिया मेजोरा, ओविडक्ट, फिम्ब्रिय एंड एंडोमेट्रियम. ओविडक्ट के सामने आएगा ऑल्सो कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब. सी के सामने फाइव, एक में ही है. ए के सामने थ्री, इट्स अ वाइडर पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है. बी के सामने आएगा फोर, यस, लार्ज हेयरी फोल्ड ऑफ स्किन दैट एक्सटेंड्स डाउन द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड्स द वजाइनल ओपनिंग, बिल्कुल ठीक है. एंड देन फिम्ब्रिय फिंगर लाइक, डी का टू विच हेल्प्स इन द कलेक्शन, हाँ जी. ई का एंडोमेट्रियम, ई का आ जाएगा वन, यस, यही बन रहा है, बिल्कुल सी बन रहा है बेटा. सवाल नंबर कौन सा है? 48. 48 का क्या आंसर बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी बन रहा है. मैंने कहाँ से ढूंढा? जो मुझे सबसे पक्का था मैंने वहां से शुरुआत की. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वन से ही शुरुआत करें, जरूरी नहीं है. मुझे ओविडक्ट का पक्के से था, मतलब मैंने बाकी देखे भी नहीं अभी, बट मुझे इसका पक्के से मिल गया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब. जब आपने शुरुआत ही ऐसी जगह से करी तो आप अपने करेक्ट आंसर तक मैच द फॉलोइंग में डेफिनेटली पहुंच जाएंगे. तो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं होता कि यार यहीं से शुरू करके यहां जाना है, नहीं. आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, आप बीच में से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है. ओके, नेक्स्ट बताओ बेटा. ऊजेनेसिस में से सवाल है, प्राइमरी यूसाइट, सेकेंडरी यूसाइट, प्राइमरी फॉलिकल, ऊगोनिया, सेकेंडरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल. ये आ जाएगा एफ के सामने तो आ जाएगा फोर, इन्हीं दोनों में. अब ई के सामने आ जाएगा फाइव, सेकेंडरी फॉलिकल, ओके. डी के सामने गैमीट मदर सेल, यस. ए आएगा प्राइमरी ओसाइट, इट इज फॉर्म्ड बाय ऊगोनिया डिवाइड्स. बी का टू, लार्ज हैप्लॉइड सेल, हाँ जी, रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट. प्राइमरी फॉलिकल, लार्ज ऑफ दिस सेल डीजनरेट. सारे लाइन से ही लगे हुए हैं बेटा, सारे लाइन से ही लगे हुए हैं, बिल्कुल लाइन से लगे हुए हैं बेटा जी सारे, है ना, सबके सब लाइन से. ए का वन, बी का टू, सी का थ्री, डी का फोर. ऐसा सवाल आ जाए, ऐसा सवाल आ जाए बेटा, कितने मजे हो जाएंगे अपने, है ना, कितने ज्यादा मजे हो जाएंगे अपने. डॉक्टर दीक्षा बेटा, मॉक टेस्ट में मैच द फॉलोइंग तो आएंगे ही, क्योंकि जो मॉक टेस्ट है वो नीट के पैटर्न के अकॉर्डिंग बना है और पिछले साल के नीट के पेपर्स देख के ही बना है. तो जितने ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो उतना ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा अच्छा है. चलिए आगे आ जाइए. नेक्स्ट, हार्ट साउंड्स, फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स, फॉर्मेशन ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम, ओके, फर्स्ट मूवमेंट एंड बॉडी कवर्ड विद हेयर. बताइए, फर्स्ट मूवमेंट होती है बाय फिफ्थ मंथ. डी का टू आना चाहिए, इसी में ही है. क्या ई का फाइव है? हाँ जी. सी का फोर है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, यस. एक ट्राइमेस्टर के बाद बी का वन है, यस, बिल्कुल. ए का थ्री है, यस, हाँ जी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी. मुझे लगता है कि अब बचे हुए सवालों के आंसर मुझे आपसे लेने चाहिए. मैंने बड़े सॉल्व कर दिए, मैंने आपको सिखा भी दिया कि कैसे सॉल्व करने हैं. अराउंड 50 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ यहाँ बैठकर सॉल्व किए हैं, तो मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है. अब देख लें, देख लें, चलिए आ जाइए. नेक्स्ट 51 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सवाल है. फटाफट से तुम लोग आंसर बताओ, तुम लोग आंसर बताओ. मैंने तुम्हें ट्रिक सिखा दी है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रिक इज बीइंग फॉलोड ओवर हियर. नाउ फॉलो दैट ट्रिक एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. 51, चलिए बताइए.
हाँ, समीक्षा आई ऑल्सो विश के सेम क्वेश्चन आ जाए, ताकि मतलब बेटा वैसे क्वेश्चन इससे बाहर आएगा कहाँ से, कहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर जो बच्चा मेरी दोपहर की क्लास लगा रहा है, तो यार वो बच्चा कह नहीं सकता कि मैंने आपको प्रैक्टिस नहीं कराई, वो ये नहीं कह सकता पेपर देख के कि मैंने ऐसा सवाल किया नहीं है। सिलेबस तो वही रहेगा ना, कहाँ नए अंदर से एलियन बन के क्वेश्चन निकलेगा, नहीं, उसी सिलेबस में से इधर से उधर से सवाल आता है, क्वेश्चन चेंज नहीं होते, क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड। ठीक है, यस 51 का क्या निकाले हो, बी निकाले हो, देख लें, देख लूं चेक करके। ए का तुम बोल रहे हो ठीक, ओके, बी का बोल रहे हो 1, मुझे लग रहा है आसान वाला दे दिया था मैंने तुम्हें। सी का बोल रहे हो तुम 4, यस, कॉपर्टी प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, ठीक है चलो गुड, 51 डन। 52 का बताइए, 52 का बताइए, कॉलम 1 कंटेन्स डिफरेंट काइंड ऑफ IUDs विद देयर एग्जाम्पल इन द कॉलम 2, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नॉन मेडिकेटेड IUD, हॉर्मोन रिलीजिंग IUD, कॉपर रिलीजिंग IUD, मैच करना है बेटा जी आपको, करिए करिए। नॉन मेडिकेटेड IUD कौन सी है, चलो हिंट दे दूँ, हिंट दे दूँ बेटा जी, ये कर रहे हो नॉन मेडिकेटेड, कहाँ से सवाल आया है, टाइप्स ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, तीन तरीके की होती है, नॉन मेडिकेटेड जिससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, देन कॉपर बेस्ड होती है, एंड देन आपकी होती है हॉर्मोनल। एग्जाम्पल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो बेस्ट तरीका है सबकी एग्जाम्पल एक साथ पूछ लेने का, एक साथ पूछ लेने का। नॉन मेडिकेटेड इज लिपिज लूप, ठीक है। हॉर्मोन रिलीजिंग कौन सी है, LNG एंड प्रोजेस्टासर्ट, ए का 1, बी का 5 and 6, सी का कॉपर रिलीजिंग, ये तीनों कॉपर रिलीजिंग होती है, दीज 3 आर कॉपर रिलीजिंग, 2, 3 and 4, करेक्ट आंसर बी, बी दिया है। ये ए वाले बच्चे, मिस्टर वेद प्रकाश सीट पे खड़े होना पड़ेगा तुमको, है ना, जो बच्चे गलत आंसर देते हैं योगेश्वरी, वो लोग को बैठने की इजाज़त नहीं है, वो अगले सवाल का खड़े होकर आंसर देंगे, ठीक है। हाँ जी चलिए नेक्स्ट वन, हेपेटाइटिस बी सहेली नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स WHO एंड ELISA। सबसे पहले जो सबसे आसान लगता है उसको मैच कर लो, चलो कोशिश करो, कोशिश करो, फिर से खाती हूँ। 53 का बताइए, कोशिश करिए करिए, 53 माया assertion रीजन वैसे आने नहीं है, आते नहीं हो एम्स में आते, बट यस उस टाइप के स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके सवाल आ सकते हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके आ सकते हैं, है ना, यस। तो मैच कर लिया, सबसे पहले बेटा मैं ELISA को मैच करना चाहूंगी, ELISA को मैच करना मुझे ई के साथ 4, ठीक है, इन दोनों में ही है, तो 50-50 हो गया अपना। देन सहेली को मैच करना चाहूंगी बी के सामने 3, बस आ गया बेटा आंसर तो आ ही गया। सी के सामने आ जाएगा 1, बिल्कुल, डी के सामने आ जाएगा 2, हाँ जी, हेपेटाइटिस बी के सामने हेपेटाइटिस बी वायरस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो आपकी इच्छा है कि आप 1 to 5 में से किसको सबसे पहले मैच करके नीचे ऑप्शंस में देखना चाहते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। देखो एक मैच द फॉलोइंग की एक और खासियत बताऊं, एक और खासियत ये कि ये एक ही सवाल में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेक कर सकते हैं, एक ही सवाल में पूरा का पूरा चैप्टर भी टेस्ट हो सकता है आपका। अभी सारी इनफर्टिलिटी की टेक्निक एक ही सवाल में आ गई, तो यार उसको अलग अलग से क्वेश्चन नहीं बनाने पड़े, उसने एक ही बारी में चेक कर लिया कि बच्चे ने ये टॉपिक इनफर्टिलिटी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ICSI, IUI, IUT, जी गिफ्ट एंड ZIFT, चलो मैच करो। 54, हाँ जी बताइए, 54 कर भी लिया मैच, कर भी लिया, चलिए देख लेते हैं। ICSI इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ओके, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंजेक्शन स्पर्म इनटू द ओवम, ठीक है। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, बी का 1, वजाइना और द यूट्रस, ठीक है। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, सी का 5, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेर, बिल्कुल सी, ठीक है। गिफ्ट में बेटा गैमिट्स ट्रांसफर करने, ट्रांसफर ऑफ ओवम, डी का 2 आएगा, ठीक है। ई का इसमें जायगॉट ट्रांसफर करने, ट्रांसफर ऑफ
जायगोट. हाँ जी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. बिल्कुल ठीक है, सही ढूंढा है सबने. सही 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 ढूंढा है. एब्सोल्युटली इक्सी इज इंट्रो. कैन यू सी नाउ? ओके, अब दिख रहा है, अब आवाज आ रही है. यस यस यस, अब आवाज आ रही है. बेटा लैपटॉप ही अचानक से बंद हो गया है ना, लैपटॉप ही अचानक से बंद हो गया. लेट मी जस्ट इनवाइट एवरीवन. है ना, दौड़ जाते हैं बच्चे. वैसे इनके लिए हो जाती है छुट्टी, है ना, छुट्टी हो जाती है. मैं छोड़ती नहीं हूँ. एक मैंने यू नो एक रील शेयर की थी कुछ टाइम पहले, है ना. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रभाकर, है ना. मैंने एक रील शेयर की थी कुछ दिन पहले, एंड दैट वाज कि बड़ी बारिश आ रही है, एंड बहुत ही फनी रील थी जिसमें बारिश आ रही है एंड पूरा पानी भर चुका है, पानी भर चुका है. ऊपर बच्चे लिख रहे हैं कि शायद आज मैथ्स सर नहीं आएंगे, आज बहुत बारिश आ रही है पूरी जगह.